ये अब तक आपने सुना कि ऑर्गन डोनेशन इज द गिफ्ट ऑफ लाइफ, देर आफ्टर द सक्सेस स्टोरी, एंड देन आपने देखा कि आप ऑर्गन डोनर कैसे बन सकते हैं, प्लेज कैसे कर सकते हैं। फिर आपने बात सुनी कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स का क्या रोल है और ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेरेशन के क्या क्या आयाम हैं और कैसे कर सकते हैं। जो बातें आपको सारे स्पीकर्स ने बताई, उन सारी बातों का स्रोत है भारत सरकार के द्वारा प्रख्यापित कुछ एक्ट, रूल, रेगुलेशंस और स्टैट्यूट्स, जो प्रमारली 1994 में एक्ट आया था, 95 में फिर रूल आया और 2008, 11 और 14 में इसके अमेंडमेंट आए। इसमें इसमें कुछ करेक्शंस किए गए। मैं जो बातें आपको कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉमन मैन है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉन एकेडमिक। मैं सिर्फ उन की वर्ड्स को बताऊंगा कि कानून के नज़र में आपके लेवल पे, आपके स्तर पे क्या जानना आपको ज़रूरी है। बाकी जो प्रख्यापित कानून हैं उनमें जितनी बातें बताई गई हैं वो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, अस्पताल के लिए है या सर्जन्स के लिए है या हार्वेस्ट टीम के लिए है या फॉर बैंकिंग और ऑर्गन बैंकिंग सेंटर्स के लिए है। बट आपको क्या जानने की आवश्यकता है एज ए कॉमन मैन, वट ऑल यू शुड नो आउट ऑफ द प्रोमलगेटेड एक्ट, रूल और रेगुलेशंस। सो सबसे पहले है एक शब्द की डोनर कौन है, एक्ट में डोनर किसे कहा गया है। डोनर मीन्स एनी पर्सन नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हु वॉलंटरली ऑथराइजेस द रिमूवल ऑफ एनी ऑफ हिज ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज और बोथ फॉर थेरापेटिक पर्पसेस। फिर एक्ट में डिफाइन किया है कि ऑर्गन क्या है, मीन्स एनी पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज। फिर एक्ट में इन्होंने डिफाइन किया है नियर रिलेटिव कौन है। जो ऑर्गन डोनेशन से संबंधित कानून या रूल हैं, एक्ट या रूल हैं, उसमें नियर रिलेटिव बताया गया है स्पाउस, सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सर एंड ग्रैंड डॉटर। ये बताने, ये जानना आपको इसकी ज़रूरी है कि कानून की नज़र में आपके लेवल पे, एज फ्रॉम द कॉमन मैंस पर्सपेक्टिव, डोनेशन दो तरह का है, जो नियर रिलेटिव्स के बीच में डोनेट कर रहे हैं और रिसीव किया जा रहा है, या नॉन रिलेटेड डोनर्स एंड रिसीपियंट हैं। तो दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है ये नियर रिलेटिव्स कौन कौन है। और नियर रिलेटिव्स इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोमोटेड एक्ट और रूल है उसके तहत स्पाउस, मैं दोहरा रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, जो प्राइमरीली हिंदू सक्सेशन एक्ट पे बेस्ड है। एक्ट में, कानून में रिसिपियंट बताया गया है मीन्स अ पर्सन इन टू हुम एनी ह्यूमन ऑर्गन इज और इज प्रपोज टू बी ट्रांसप्लांटेड, एंड ट्रांसप्लांटेशन मीन्स द ग्राफ्टिंग ऑफ एनी ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू और बोथ फ्रॉम एनी लिविंग पर्सन और डिसीज पर्सन टू सम अदर लिविंग पर्सन फॉर थेरापेटिक पर्पसेस। डिसीज पर्सन को इन्होंने डिफाइन किया है अ पर्सन इन हुम, जैसा संजय बिहारी सर ने भी कहा था, परमानेंट डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ लाइफ अकर्स और ब्रेन स्टेम डेथ, नॉट द ब्रेन डेथ, द कॉन्सेप्ट गोज लाइक दिस नाउ, ब्रेन स्टेम डेथ मीन्स द स्टेज एट विच ऑल फंक्शंस ऑफ द ब्रेन स्टेम हैव परमानेंटली एंड रिवर्सिबली सीज्ड। आपकी भाषा में मैं ये सोच रहा था जब संजय बिहारी से बता रहे थे कि आम पब्लिक को ब्रेन स्टेम डेथ के बारे में क्या जानने की आवश्यकता है। आपकी भाषा में, एक दूर दराज के गांव में, शहर में, कस्बा में, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन स्टेम डेथ का मतलब क्या है। आपके आपके परिप्रेक्ष्य में ब्रेन स्टेम डेथ का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि धड़कन चल रही है और सांस रुकी है और सब किसी अस्पताल में सपोर्ट पे उनको रखा गया है और आप इच्छुक हैं, तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड है ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और जल्दी ही एक सुविधा पीजीआई भी देगी जहाँ पे एक टोल फ्री नंबर होगा आपको आपके समन्वय और संपर्क स्थापित करने के लिए। ट्रांसप्लांट एक्ट में रिसेंटली जो अमेंडमेंट 2011 में हुआ, उसमें उन्होंने स्वैप ट्रांसप्लांटेशन की वो भी कानूनी मान्यता दी है। उन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिया है कि इफ़ इन अ फैमिली, से फैमिली नंबर वन, यू हैव अ डोनर एंड रिसिपिएंट हु आर नियर रिलेटेड बट देयर ब्लड ग्रुप्स आर इनकम्पैटिबल, एंड अनदर फैमिली, फैमिली नंबर टू, द डोनर इज बी पॉजिटिव बट द रिसिपिएंट इज अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप, the donor of family number 1 can donate to recipient 2 and donor 2 can donate to recipient 1, this can help to increase the donor pool. ये हमारे मूल कानून में 1994 में नहीं था ये व्यवस्था, लेकिन 2011 में इस व्यवस्था को ऐड किया गया
और इससे इसके तहत हमारा जो ऑर्गन का पूल है, जो जो हमारी क्वांटम ऑफ ऑर्गन है वो बढ़ा है, और हम पीजीआई में भी हमने भी स्वैप कैसेज देखा है, और हम रिसेंटली भी हमने एक स्वैप डोनेशन को एनओसी दिया था। फिर एक्ट इस बात पे आपके लिए दो चार बातें जानना जरूरी है कि जो शुरुआत में हेमंत से बता रहे थे या मंत्री जी बता रहे, भ्रांतियाँ हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो ये कानून का प्रख्यापन इसलिए किया ही गया था कि इसमें दाता का, रिसिपियंट का, कंसर्न डॉक्टर का, और जिस हॉस्पिटल में ये जिस हो रहा है ट्रांसप्लांट, इन सब का हित सुरक्षित रहे, और कोई भी इसमें फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस नहीं हो, कोई भी कंसेंट अंडर ड्यूरेस या कोअर्शन ना हो, एंड देयर शुड एब्सोल्युटली बी नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस बात की व्यवस्था जो कानून बनाया गया है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो आम पब्लिक अभी हमारे से डिजिटली जुड़े हुए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अंग दान करने का प्लेज करते हैं, या आपके कभी ऐसी अवस्था आती है, स्थिति आती है जहाँ पे कोई अंग देने को तैयार हो या जिसकी ज़रूरत पड़ती है, दोनों ही स्थितियों में आपको ये जानना और आपको ये विश्वास और भरोसा होना ज़रूरी है कि भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने इन प्रख्यापित कानूनों की मदद से ऐसी व्यवस्था करी है कि आपकी जो हित हैं, आपका जो कंसेंट देने की प्रक्रिया है, और आपके जो चिकित्सकीय परीक्षण है, जो आपके अस्पताल में जहाँ अंगदान ये होगा, और जो चिकित्सक इस प्रक्रिया में संलग्न होंगे, चाहे वो हार्वेस्ट टीम हो या ट्रांसप्लांट टीम हो, दे आर ऑल वेरी स्ट्रिक्टली बाउंड बाई द प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स एंड द ड्यू प्रोसेस द लॉ हैज प्रमल्गेटेड। सो आपको ये भरोसा होना जरूरी है कि आज के दिन, आज से 1994 के पहले की बातें डिफरेंट थे, उस वक्त ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया में काफ़ी खामियां थी और अक्सर अखबारों में गड़बड़ियों के न्यूज़ आते थे, लेकिन 94 के बाद से धीमे धीमे चीज़ें इतनी स्ट्रक्चर्ड हो गई हैं, और ये पूरी प्रक्रिया इतनी रिफाइंड हो गई है कि ये बहुत मुश्किल है कि किसी चरण पे कुछ आपके साथ गलत हो। और जो मूल बातें हमें कानून डिफरेंट स्तर की बॉडी के थ्रू ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, जो चार बॉडी बनाती हैं कानून ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, वो है एडवाइजरी कमेटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ऑथराइजेशन कमेटी एंड कंपिटेंट अथॉरिटी। ये चार बॉडी हैं। जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उसका काम है इस ट्रांसप्लांट के जो रूल हैं और जो इसके एक्ट हैं, इन दोनों में जितनी भी बातें बताई गई हैं, जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है, उसके तहत ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरे देश में हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए उनको सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है, और वो हर तरीके से इस प्रक्रिया का निरीक्षण करने, पर्यवेक्षण करने, बुलाने के लिए अधिकृत हैं, और यहाँ तक कि सजा भी रिकमेंड करने के लिए अधिकृत हैं। दूसरे स्तर की बॉडी है, वो है एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी भी राज्य स्तर पर काम करती है, और जो राज्य में, राज्य स्तर पर, सरकार के स्तर पर अंगदान से संबंधित जितनी भी चरण हैं, चाहे वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हो, ऑर्गन बैंकिंग हो, ऑर्गन शेयरिंग हो, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, इन सभी चरण के लिए क्या प्रक्रिया हो जो विधि सम्मत हो, जो नीति सम्मत हो, और जो 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 कलेक्टिव पब्लिक सेंटिमेंट है, जो हम लॉ में कहते हैं, वी कॉल इट कलेक्टिव पब्लिक, लॉ इज रिफ्लेक्शन ऑफ कलेक्टिव पब्लिक सेंटिमेंट, यानी जो कल्चरल जो माइंडसेट है, जो रिलीजियस बिलीफ है, उन सब के मद्देनजर चीज़ें की जाएं, ये नीति निर्धारण करने का और ये नीति संबंधी रिकमेंडेशन करने का दायित्व है इस एडवाइजरी बॉडी का। इसके बाद दो स्पेसिफिक कमेटी होती है, एक को हम कहते हैं ऑथराइजेशन कमेटी, जो वैसे अस्पताल जहां 30 से अधिक ट्रांसप्लांट हो रहे होते हैं, उस अस्पताल को अपना ऑथराइजेशन कमेटी बनाने का अधिकार है इस कानून के तहत, और वैसे अस्पताल जहां पे इससे कम होते हैं, उनके लिए जिला स्तर पे एक ऑथराइजेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जो सीएमओ के मार्गदर्शन में कार्य करती है। संजय गांधी पीजीआई में भी एक हॉस्पिटल बेस्ड ऑथराइजेशन कमेटी कार्य कर रही है, और लखनऊ जिला में भी एक डिस्ट्रिक्ट ऑथराइजेशन कमेटी काम करती है। इन दोनों कमेटी का मैंडेट ये है कि जो डोनर है, खासकर डोनर भी तीन चीज़ें देखनी होती हैं इन कमेटी को, और आपको ये जानना ज़रूरी है, अगर आप या आपके संबंधी, आपके दोस्त रिश्तेदार कोई कभी डोनर बनते हैं, तो ये जानकारी आम पब्लिक को होना बहुत ज़रूरी है कि ये तीन चीज़ें क्या हैं। He or she is medically fit to donate, that is number one, ये ascertain clinical team करती है, और तब वो clinical team भेजती है उस donor को either authorization committee को या competent authority को।
फिर वहां ये देखा जाता है कि डोनर पे कोई दबाव नहीं है, डोनर मानसिक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है. द डोनर इज केपेबल ऑफ, मेंटली केपेबल ऑफ टेकिंग अ डिसीजन अपॉन हिज फ्री विल, एंड ही इज नॉट अंडर ड्यूरेस, ही इज नॉट अंडर कोअर्शन, एंड देयर इज नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ये तीन चीज अगर हम देखते हैं, और इसको देखने की प्रक्रिया भी बहुत मैन्युपुलेट बनाया गया है, इसके चरण निर्धारित हैं, और ये सारी प्रक्रिया हम लोग वीडियोग्राफी के अंदर करते हैं, ताकि ये एक प्रामाणिक, एक प्रमाण, एक एविडेंस मौजूद रहे. कल को कोई अगर हॉस्टाइल हो जाता है तो वी हैव गॉट एविडेंस. तो मैं इस पब्लिक फोरम के तहत आम जनता जो हमसे जुड़ी हुई है, उनको बताना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़कर आए, प्लेज करें, और डोनर बनने के लिए प्लेज करें. और जब आप डोनर बनते हैं तो आपका हित इस देश का कानून, कानून व्यवस्था, सरकार और संस्थान, इनके तहत, इन व्यवस्था के तहत सुरक्षित है. ये दो कमेटी में एक और मूलभूत भेद है. पहली बात यह है कि जो ऑथराइजेशन कमेटी है वो सिर्फ देखती है अनरिलेटेड डोनर्स को, जहां पे डोनर रिसिपिएंट का संबंधी नहीं है, वैसे सारे मामले इस कमेटी में आते हैं जिसको अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं. और हर वैसा मामला जहां पे जो निकट संबंधियों के बीच में होता है, वो सारे मामले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आते हैं. और इसकी एक अलग प्रक्रिया है जो थोड़ा, जो ज्यादा सरल है, क्योंकि ये संबंधी होते हैं और इसके इसके प्रमाणन की, इसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है. देर आर मेनी वेज, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास हम लेते हैं, हम इन पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, हम इंटरोगेट करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो वी ऑल्सो गो फॉर कैरियोटाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग और एचएलए टाइपिंग. तो हम लोग कोशिश करते हैं इस्टेब्लिश करने का कि हाँ, ये वाकई संबंधी है और बाकी फैक्टर कोई कारणरत नहीं है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, एंड वी ऑल डू इट अंडर रिकॉर्ड, अंडर वीडियोग्राफी. सो मैं ये बताना चाहता हूँ संगोष्ठी के माध्यम से, आम जनता जो हमसे जुड़ी हुई है, कि उद्देश्य ही इस कार्यक्रम को करने का ये है कि हम प्लेजिंग को, हम डोनर डोनेशन की रेट को बढ़ाएं, तभी जो रिसिपियंट है, जिनको इनकी जरूरत है, एंड देयर इज ह्यूज वेट लिस्ट, उसकी हम जरूरत को पूरा कर सकें. इसके साथ साथ जो कानून, प्लीज लेट मी नो आई एम विद इन टाइम और नॉट, ओके, सो आई एम समिंग इट अप. तीन बातें और ये कानून ये करती है कि ये ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, शेयरिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, या ट्रांसप्लांटेशन प्रॉपर से हो, ये कौन कर सकता है, इसके लिए भी प्रक्रिया, इसके लिए भी वन हैज टू टेक द परमिशन, इसके लिए एक लेनी पड़ती है परमिशन, एक लाइसेंस लेना पड़ता है. तो आपको ये जानना, आपके लिए क्या जानना है, कि आप उसी जगहों पर जाएँ जहाँ पे गवर्नमेंट ने जिसको लाइसेंस दे रखा है, वहीं ट्रांसप्लांट के लिए जाएँ. दूसरा, इस एक्ट में ये भी निर्धारित है कि कौन कर सकता है और किस जगह कर सकता है. सो हर चरण पे सेफ वर्ड दे दिया गया है. 1994 के बाद द ग्रेजुअली एक्ट हैज मैच्योरिंग एंड इज मैच्योरिंग, देयर हैज बीन रिवीजन, रिवीजंस विल कम इन इयर्स टू कम. एंड कहीं भी, जहां भी इस देयर हैज बीन कॉन्ट्रावेंशन, देयर हैज बीन यू नो नॉन कॉम्प्लायंस, सो वी हैव गॉट पिनल प्रोविजंस वेरिन आपको सजा हो सकती है, जो भी गलत करने वाले हैं, अप टू 10 years, एंड देयर कुड बी मॉनेटरी पनिशमेंट्स एज वेल. कुछ और भी बातें हैं जो शायद, जैसे कुछ विशेष विशेष बातें हैं कि अगर कोई कैदी है तो क्या करना है, मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए क्या करना है, जो जिनका कोई नहीं है, अबैंडन्ड है, उनका कौन करेगा, सारी व्यवस्था कानून में है. और अब एक इसके लिए त्रिस्तरीय बॉडी भी देश में बन गया है, जो नॉटो, रोटो और सॉटो के नाम से है, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं. तो मैं एक लाइन में आप समराइज करना चाहता हूँ अपने इस टॉक को, जो प्योरली एम एट फॉर कॉमन पीपल, दैट आज के दिन में ट्रांसप्लांट कौन कर सकता है, कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, डोनर के हित कैसे सुरक्षित हो, हर चरण पे काफी सेफ गार्ड कानून ने दे रखा है, और आप पूरी तरीके सुरक्षित हैं. इसलिए आवश्यकता रिसिपिएंट और सफरिंग ह्यूमैनिटी के मद्देनजर इस बात की है कि इन बातों को समझते हुए आप आगे बढ़ें, प्लेस करें नॉटो के वेबसाइट पे, बहुत जल्दी पीजीआई के वेबसाइट पर प्लेजिंग की सुविधा आ जाएगी, ताकि जो जिंदगी जहाँ पे कहीं कुछ कमी है उसको हम पूरी कर सकें. थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग. Like Dr. Arushi to present token of appreciation and gratitude to sir. Thank you, sir, for enlightening us on the topic. I'm thankful to our audience team.
I request you all to please orient yourself to screen for 3 minutes for a short video, which I hope will induce you probably a more sort of charity or philanthropy. By that time, we'll be ready for the. Thank you. Nandita. तुम तैयार नहीं हुई, वो लड़की आने वाली होगी। मुझे नहीं मरना उसे। क्या हुआ? ये मेरा फैसला नहीं था, तुम्हारे बेटे का था और तुम्हारा भी। नंदिता, अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो मना कर देती। हाँ, ताकि दुनिया के सामने मैं बुरी बनती। क्या तुम्हें अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं? ये उसका अपना फैसला था और मेरा कोई हक नहीं था। नंदिता, अगर तुम नहीं मिलोगी तो तुम्हारे बेटे का दिल दुखेगा। अपने बेटे से बात कर सकती है।